लेकिन एक बात है, अनीता तो इससे भी ज्यादा मनहूस है। वो कैसे? अरे पता क्या, जब टाइगर श्रॉफ पैदा हुआ ना, ये उसके पास गई, उसके गालों पे हाथ फेरा, हाय सो क्यूट, कितना क्यूट बेबी है, बेचारे की आज तक दाढ़ी नहीं आई है। भाई मेरे सर पे भी इसका तो हाथ नहीं है। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी भी ये मंदिर जाती है ना, इसको देख के भिखारी खड़े नहीं होते। अच्छा, क्यों, ये भीख भीख नहीं देती? अरे नहीं, उनको पता है वो खड़े हो जाएंगे तो ये उसकी जगह बैठ जाएगी। यार आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं मानता अनीता भिखारियों के साथ बैठेगी। तो अभी किसके साथ बैठी है? जो जो मुबीन के साथ बैठ सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ सकती है। ए, मनहूस तक ठीक था, उसे भिखारी क्यों बुला रहे हो? भिखारी से याद आया, मुबीन वो ना कल दरगाह में गया था तो भिखारियों ने उसे घेर लिया भीख मांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, उसे पूछने आए, भैया आजकल आप भीख भी नहीं मांग रहे तो घर कैसे चला रहे? नहीं नहीं, चल पे चल यार। इसका इतना अच्छा भी टाइम नहीं है कि भीख मांगे और इसे मिल जाए। अनीता के पास पता है कितना काम है, इतना काम है, मुंह पे मना कर देती है, मैडम जी मैं 12 घर से ज्यादा के बर्तन नहीं साफ करती। चलो एटलीस्ट अनीता को काम तो मिल रहा है, ये क्या कर रहा है मुबीन? नहीं आपको नहीं पता? नहीं, इसका तो वाटर सप्लाई का काम है ना रेलवे में। हाँ? ये ट्रेनें धोता है? ओ नहीं नहीं, कुछ और धोता है। इसकी शक्ल लगती है ट्रेन तक पहुंच भी पाएगा ये। कैसी बातें कर रहे हो यार। I think बैग थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो गया, बंद करें। ऑलरेडी? अरे यार कमाल कर रहे हो, मुबीन और अनीता के करियर से ज्यादा लंबा हो गया, और कितना। अच्छा एक मिनट, गाइस मैं माफी मांगना चाहती हूँ, नहीं नहीं तुमसे नहीं, एकता कपूर से, कि हमने उनकी बाई को यहाँ पर सोफा पर बिठाकर उसकी बेइज्जती की। क्या बात है? अरे मुबीन कुछ बाकी है। एक लास्ट बात बोलूंगा, तेरे को बहुत शौक है ना डबिंग करने का, भाई हमने कुछ तैयार करा है, थोड़ा सा देखना तो बनता है। अच्छा कैसे लग रहा हूँ मैं? देखा, जो कौड़ी के आदमी को जवाब नहीं दिया, मुझे अपनी औकात का पता था। मुझे कोई भी देखता है पीछे भेज देता है, कह रहा तो किसी काम का नहीं हटता है, क्योंकि टैलेंट को ज्यादा देर स्टेज पे नहीं रखते भैया, क्योंकि मैं कभी भी गोवर कर सकता हूँ। वैसे आपको बता दूं, मुझे दो कौड़ी के आदमी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं पैसों पे नहीं काम करता, रोटियां मुझे मिल जाए भूख खत्म। रोटी मेरे को रोटी मिलती है, 7 दिन से कुछ खाया नहीं, रोटी एक तन्ने भी रोटी नहीं डाली मेरे को। अभी यहाँ रोटी नहीं बट रही, अभी लोगों ने खाना नहीं फेंका है। तुमने मुझे बाहर बोला कि बड़े बड़े लोग भीख देंगे, कहाँ है वो लोग? अरे यहीं पे, वो देखो वो देखो वो लोग किधर है। अरे ये तो वही है ना जिन्होंने पिछली बार हमें फफूंदी वाली खिचड़ी भीख में दी थी, मेरे को चाहिए दो ना प्लीज। रुक जा, वो फफूंदी वाली खिचड़ी मेरी है समझी, 3 दिन से इनकी जुराब पानी में डुबो के घोल के उसके जूस पी रहा हूँ, मजा आ गया। भीख में तो हाथ पे ठुकवा दो। ओ, तुम हाथ पे ठुकाने की बात करती हो जानू, मैं तो मुंह पे ठुकाऊंगा। अच्छा एक बार मुझे भीख दे दे, हम दोनों की लाइफ बन जाएगी बेबी। उसके बाद देखना, भीख मांगने का धंधा अलग और मिमिक्री करने का अलग। अबे सस्ते जॉनी लीवर। कभी परफॉर्म करने में गला नहीं सूखा, यहाँ सूख गया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आई लव दैट। क्या नहीं, तुम बेस्टियों की आदत है। वही वही। और सबसे ज्यादा पता है कब एंजॉय किया इन्होंने, जब बोला वो एकता कपूर की भाई बैठे। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां रघु श्रुति और वरुण के लिए। आज तो ऐसे लग रहा है मोहल्ले में खड़े हैं भैया, और लड़ाई हो रही सब घरों में। अब होगी बहुत बड़ी लड़ाई है? हाँ, क्योंकि मोटी अब तू बैठने वाली है। पार्टी, पार्टी। आज पहली बार हमारे सिंगल सीटर सोफे पे डबल बेड बैठेगा। क्या ताली बजा रहे, इधर आओ तुम लोग, आइए भारती जी, आइए। Yeah!
आज बेटा। अब मजा आएगा। कितनी खुशी मनाई तूने यहाँ पे हैं? इतनी खुशी मुझे कश्मीरा को छोड़ने पे भी नहीं होगी जितनी आज होगी। आज इसकी बेइज्जती होगी यहाँ पे। तूने क्या कैमरा वाले भेजे थे ना मेरे घर पे? तेरे घर पे मैंने भी भेजे थे, आओ दिखाता हूँ। आज हमारी जैकलीन के जैकलीन लगने वाले हैं। आज आपको रोज करने के लिए हमने खास बुलाए हमारे नया बंदा, हमारे भालू देसाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओ मां, प्यार से लोग इन्हें मनंग भी कहते हैं। कोट पहले ठीक कर लीजिए, ये ऐसा होता है कभी छोटा कोट पहन। मनन का साथ देंगे अनीता और मुबीन, कहां पर आइए। नमस्कार, केम छो मजा ना। देखो वैसे शक्ल से तो मैं गाय चराने वाला लग रहा हूं, लेकिन जब सामने बैल और बकरी हो तो यही आदमी आपको मिलेगा। तो भारती के लिए रोटियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि कलाकार तो तालियों का भूखा होता है, भारती तो रोटियों की भूखी है। वो कलाकार नहीं गोलाकार है। करण को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। Myself, मनन देसाई, और मैं एक रेडियो जॉकी रह चुका हूं, वैसे ये शक्ल रेडियो पे ही ठीक है, और जब मैंने भारती को टीवी पे देखा तो अगर ये भद्दी सूरत टीवी पे आ सकती है तो मैं सुपरस्टार बन सकता हूं यार। वैसे इंटरनेट में मैं काफी फेमस हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी वहां पे करता हूँ। इंटरनेट तुझे क्या पता मोटी, तू तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोन से मैसेज भेज के भी नीचे लिखती है सेंड फ्रॉम माय आईफोन। दैट्स वेरी हार्ड। ये पता है, ये जब खुद की सेल्फी लेती है ना तभी उसको 7 कैमरा सेटअप लगता है। वो भी हंसने की बात नहीं है, तभी भी है ना नाभी तक की फोटो आती है। आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हॉस्पिटल पे स्ट्रेच मार्क कैसे हो सकते, पर जब भारती पैदा हुई थी ना वो हॉस्पिटल को पहली बार स्ट्रेच मार्क्स हुए। और भारती जोक अपनी जगह पे, एक बात मैं दिल से बोलना चाहता हूँ जी। मेरी माँ आपको हर रोज टीवी पे देखती है, थैंक यू, और दिल से आपके लिए बहुत बद्दुआएं भेजती है। और करण के लिए मेरी माँ ने कुछ भेजा नहीं है, मेरे फूफा ने भेजा है। औकर ओ ओ, ये बस ऐसी तस्वीर लगी थी सुलभ शौचालय के बाद। और नीचे लिखा था अब हमारे पास वेस्टर्न स्टाइल उपलब्ध है। करण यार काफी होनहार, काफी टैलेंटेड, एक्टिंग कर लेता है, होस्टिंग कर लेता है, क्रिकेट खेलता है, आज भी इसके माँ बाप है ना सीना ठोक के बोलते हैं इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। ये देखो फीमेल लॉरेन हार्डी है। ए कौन है रे साले, ऐसा बजाए मेरे को, दारू पी के थोड़ा हल्का होके आया हूँ मैं। अरे कौन है तू? मैं गुजरात से। हाउ आर यू? कौन है तू? हाउ आर यू? अंग्रेजी नहीं आती क्या? मैं मनन देसाई गुजरात से आया हूँ, इंटरनेट पे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। इंटरनेट पे करते हैं आप? इंटरनेट पे ऐसी चीजें अपलोड हो जाती है? ए इंटरनेट की दुकान, इंटरनेट पे करना है, इधर इंटरफेयर नहीं करना। कंगना, ये भारती के बारे में बोलेगा तू? मेरी भारती के बारे में? मेरे को मालूम है गुजरात से गुजराती जूते तू लेकर आया है भारती के लिए, लेकिन मारूंगा मैं। मेरे को ये भी मालूम है कि तेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, लेकिन थूकूंगा मैं। और मेरे को ये भी मालूम है कि शक्ल तेरी बैंड वाले जैसे है, लेकिन इस ढोल को बजाऊंगा मैं। करण के बारे में कुछ बोल। मैं दारू पी के औरतों की बेइज्जती नहीं करता।
तो भारती की क्यों की? ये तेरे को औरत लगती है? गौर से देख इसको, गौर से देख। वो जो मालगाड़ी का जंखाया डब्बा होता है ना, वो भी इससे सुंदर होता है। यार तूने पीके रखी है? क्या करूं मेरे दोस्त, पीने के बाद ही ऐसे चेहरे बर्दाश्त होते हैं। ओके ओके ए ओके 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 क्या साले, तू तो पीने के बाद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निकुल सर, ये क्या, मैंने आपको बोला था मेरे को पार्टनर दो, ये क्या बाजरे का आटा गूंथ के दे दिए मेरे को। लेकिन मेरे को एक बार समझ में नहीं आई, भारती को रवि किशन दे दिए, कृष्णा को नेहा जी दे दिए, श्रुति को रघु दिए और मेरे को हग्गू दिए। <आगा। laughs>